नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से जरूर आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो माइनक्राफ्ट की हमने एक नई सीरीज शुरू की है, इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट। तो इस सीरीज तक मैंने माइनक्राफ्ट के काफ़ी वीडियो बनाए और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं ना तो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोज़ की। तो अब बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो ना, जरूर देखिए उन वीडियो को। उनको देखने से आपकी माइनक्राफ्ट में नॉलेज बूस्ट होगी और आप माइनक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी तरह से प्ले कर पाओगे। तो देख लीजिए ऊपर आई बटन में, सारे वीडियोज़ के लिंक मैं दे रहा हूँ। तो बात करूँ पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में हमने जो जियो आया ना, तो वो अलग सीरीज यार, मेरी जो सेटिंग वाली अलग सीरीज है उसके लिए मैं अलग सीरीज बना रखा हूँ। लेकिन फिर भी मैं उसमें इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो जियो आई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो देख सकते हो। इसके अलावा जो उसका पिछले वीडियो है ना, तो मैंने उसमें जो नॉन स्टोवेबल पिस्टन होती है ना, उसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो अब ईजीएस्ट तरीका बताए नॉन स्टोवेबल पिस्टन बनाने का। वैसे बहुत सारे तरीके हैं माइनक्राफ्ट में नॉन स्टोवेबल पिस्टन बनाने के, लेकिन मैंने जो तरीका बताया ना वो सबसे ईजी तरीका है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। और ऊपर आई बटन में आपको पोल मिलेगा, तो पोल का जवाब ज़रूर देना। तो यही है। तो थंबनेल देख के, आप सभी को टाइटल और थंबनेल देख के आज का वीडियो पता होगा। तो आज हम बात करेंगे, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो यार माइनक्राफ्ट में काफ़ी जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं। मान लो अभी मैं सो लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। वैसे टाइटल थंबनेल देख के वीडियो का टॉपिक तो पता ही होगा। तो टॉपिक है जो गेम्स की जिप फाइल होती है ना, उसको आप किस तरह से काम में ले सकते हो। तो जिप फाइल है ना, उसको किस तरह से ओपन करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो बेसिकली जो जिप फाइल होती है ना, तो आपको जो प्रॉब्लम होती है माइनक्राफ्ट में जो खेलते हैं ना, तो उसको मान लो आपको कहीं से जिप फाइल मिली है, तो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं वो आप सभी को अपने वर्ल्ड की जिप फाइल देते हैं, या फिर आपको अपने फ्रेंड्स की जिप फाइल चाहिए गेम की, तो उसको आप किस तरह से ओपन करोगे। आपने डायरेक्ट गेम्स की फाइल ले ली तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जिप फाइल मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत आप सभी को यार। तो उसको किस तरह से ओपन करते हैं आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यार। तो बेसिकली वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो उसमें मैं दो ऐप्स बताऊंगा आप सभी को। तो उस ऐप्स का नाम है, एक का नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा है ZArchiver। तो ये दोनों के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली जो ये ऐप है ना, ये एक्सपोर्ट वाले जो एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो वाले ऐप्स है। तो अगर आपका फ़ोन जो आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर है ना, बेसिकली जो पुराने फ़ोन है ना उसमें फाइल मैनेजर आते हैं ना, तो बेसिकली जो बहुत सारे फ़ोन है ना उसमें फाइल मैनेजर आते हैं ना, तो वो सपोर्ट नहीं करते एक्सट्रैक्ट को और एक्सपोर्ट दोनों को। तो बेसिकली जो होता है ना, इस तरह से होता है। तो वैसे आने वाले फ़ोन या फिर यूज़ करते हो ना, तो आप उनमें ये फीचर आप सभी को मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट का और एक्सपोर्ट दोनों का। लेकिन जो बाकी फ़ोन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे में जो फाइल मैनेजर होता है उनमें नहीं होता। तो मैं दो ऐप इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को, तो आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, और जो गेम्स की फाइल को किस तरह से, जो जिप फाइल है ना उसको नॉर्मल फाइल किस तरह से बनाते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले। तो मैं अब जाने वाला हूँ उस ऐप में। सबसे पहले मैं आप सबको ES फाइल एक्सप्लोरर में बताऊँगा, उसके बाद बताऊँगा ZArchiver में। तो शुरू करते हैं। तो ये मैं आ गया फाइल एक्सप्लोरर में, ES फाइल एक्सप्लोरर में आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो ये वाली फाइल है ना, अभी देख रहे हो आप गेम्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली यह है माइनक्राफ्ट के गेम्स की फाइल। तो आप देख सकते हो, अगर इसको आप जिप फाइल बनाना चाहते हो ना, वो भी इस ऐप की सहायता से बना सकते हो। किसी को देना चाहते हो ना जिप फाइल बना के, तो आसानी से आप देख सकते हो भाई। बेसिकली ये ऐप है ना काफ़ी अच्छा है। तो मेरा दूसरा चैनल है ना मेमोरेबल टेक, तो टेक का चैनल बना रखा है मैंने मेमोरेबल टेक, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली मैं उसमें टेक के वीडियो डालता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे, तो उसके अंदर मैंने इसका पूरा डिटेल में वीडियो दिया है ES फाइल एक्सप्लोरर का। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको जो गेम्स की फाइल है ना, तो ये माइनक्राफ्ट में गेम्स की फाइल होती है, माइनक्राफ्ट की फाइल होती है ना, वो हमारे फाइल में ना गेम्स के नाम सेलेक्ट होती है। तो देखो यहाँ से, देखो ये रात देखो माइनक्राफ्ट का लोगो भी इस पे ऊपर, तो आपको इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोर पे क्लिक करना है, और आपको इसमें जाना है कंप्रेस में जाना है। तो यहाँ से जैसे आप कंप्रेस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिप फाइल चाहिए या फिर जो 7Z होता है ना वो फाइल चाहिए। तो मेरे को जिप फाइल चाहिए, आप इसका अलग से पासवर्ड रख सकते हो। अगर आप कोई भी इसको जो करेगा ना, एक्सट्रैक्ट करेगा ना, तो आपको उसको पासवर्ड भी मांगेगा वो, तो उसके बदले नहीं कर पाएगा। तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ पासवर्ड इसमें। तो जैसे आप ओके भी क्लिक करेंगे ना, तो ये बेसिकली जो जिप फाइल है ना, वो जिप फाइल बनना क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली जैसे ही पूरा होगा ना, तो ये जिप फाइल बन जाएगी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस सेवेड जो लिखा हुआ है ना, तो जिप फाइल सेलेक्ट जो सेव हो गई। तो ये नीचे देख सकते हो, ये रही हमारे गेम्स की जिप फाइल। तो बेसिकली आप इस तरह से जिप फाइल बना सकते हो इसकी सहायता से, और आप अपने वर्ल्ड की जिप फाइल है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी आपके वर्ल्ड में खेल सके। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो मेरे वर्ल्ड की अगर आपको जिप फाइल चाहिए ना, तो नीचे कमेंट करना, मैं आप सभी को मेरे वर्ल्ड की जिप फाइल दे दूंगा। बेसिकली इसमें इतना टाइम इसलिए लगा, वैसे कि मैंने इसको जल्दी कर दिया, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगाया, क्योंकि मेरा वर्ल्ड है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो 148 MB का हो चुका है अब तक, वैसे बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरा जो गेम ना वो थोड़ा हैंग होता है यार, इसलिए होता है गेम हैंग। तो काफ़ी बड़ी हो गई फाइल। तो बेसिकली अगर आपने आपको कोई जिप फाइल देखना तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी आप सभी को। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उसका नाम गेम से रखना होगा, तभी आपका माइनक्राफ्ट में ये वाला फाइल दिखेगा। तो देख सकते हो जैसे आप इस वाली को कलेक्ट क्लिक करेंगे ना, फिर से आपको मोर में जाना है, और यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिकली एक्सट्रैक्ट टू है ना, इस पर क्लिक करना है यहाँ से। इसके बाद ये जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चूज फाथ कर लेना यहाँ से। उसके बाद आपको इस बार जो SD कार्ड लिखा हुआ ना, एक बार इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से ये वाला खुल जाएगा। बेसिकली जो हमारा गेम्स का फोल्डर है ना, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आप सभी को। तो यह रहा, तो बेसिकली ये हमारा पुराना है। तो आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारी जो नॉर्मल फाइल है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आपके जो पुरानी गेम्स की फाइल है ना, आपको उसको अलग रखना होगा, तभी ये वाला वर्ल्ड आप सभी का काम करेगा। अगर आप चाहते हो ना उसमें ओवरराइट हो, तो ओवरराइट भी हो जाता है यार ये। तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ ना, आप देख सकते हो, फिर से आपको एक बार ओके पे क्लिक करना होगा, तो देखो डीकंप्रेसिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ओवरराइट करते जाओगे ना, या फिर आप स्किप भी करते जाओगे ना, तो आपकी वर्ल्ड सेव होता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी फाइल को, जिप फाइल को, अपनी नॉर्मल फाइल बना सकते हो। तो ये वाला तरीका जो ES फाइल एक्सप्लोरर वाला है ना, तो ये तरीका ऐसा है। इसी तरह से आप JRChiever में कर सकते हो, तो बिल्कुल दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली ये इसको इस तरह से बना सकते हो। अगर आपकी फाइल मैनेजर में पहले से एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है ना, तो आपको इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड मत करना, और डायरेक्ट फाइल को, जो जिप फाइल है ना, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता फाइल मैनेजर में, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऐप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो यार। तो इसको मैं JRChiever में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सभी चाहो ना तो ये वाला ऐप ही डाउनलोड कर लेना, तो दो क्यों करेंगे भाई, ऐप एक ही कर लेना। ये वाला, ये जो ES फाइल एक्सप्लोरर नाम का ऐप है, तो काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है ये। तो मैंने इसका अलग से पूरा डिटेल में एक रिव्यू किया है मेरे अगले दूसरे चैनल पे, टेक चैनल पे, मेमोरेबल टेक पे। तो आप देखना चाहते हो ना, देख सकते हो, जो हमारे रेसिंग अवतार वाले चैनल में जाइए, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। तो जैसे जैसे आप ओवरराइड करते जाओगे ना, तो आप सभी को ये मिलता जाएगा। तो बेसिकली यही है आज का वीडियो। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा एक जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट या नॉर्मल फाइल किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, एक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मैं मिलूंगा आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।